नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाक पर निशाना साधा, पीओके खाली करने को कहा। भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भड़काने और सहयोग देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और उसे कहा कि वह पीओके पर अवैध कब्जा खाली करे। कश्मीर के हालत को लेकर पाकिस्तान में आयोजित हुई भारत विरोधी रैलियों और दूसरे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवाद को प्रोत्साहित और समर्थन करने की कड़ी भर्त्सना करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग के समक्ष मार्च और प्रदर्शनों से पैदा हुए खतरे को देखते हुए पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों एवं उनके परिवारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित उन लोगों की अगुवाई में हुए घटनाक्रमों का भी संज्ञान लिया है जिन्होंने अतीत में ओसामा बिन लादेन और तालिबान कमांडर अख्तर मंसूर के मारे जाने का भी विरोध किया था। खलिस्तान समर्थक नेता ने जताया था इंदिरा की हत्या का पूर्वानुमान। ब्रिटेन में रहने वाले अलगाववादी खलिस्तानी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता ने अक्टूबर 1984 में हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से महीनों पहले उनकी हत्या का पूर्वानुमान जताया था। ब्रिटिश सरकार के गोपनीय दस्तावेजों में यह जानकारी मिली है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने जगजीत सिंह चौहान को सिख रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान का स्वयंभू राष्ट्रपति बताया है। वह उन संदिग्ध लोगों में शामिल था जिन पर मार्गरेट थैचर के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने का विचार किया था। ब्रिटेन के विदेश एवं गृह कार्यालय के अधिकारियों द्वारा 1984 में तैयार किए गए एक नोट में कहा गया कि भारतीय अधिकारियों ने लगातार ब्रिटेन में एक सिख डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के बयानों को लेकर शिकायत की है। इस साल जून में उससे श्रीमती गांधी की मौत का पूर्वानुमान जताया था। उससे इसके बाद राजीव गांधी के निशाने होने की बात भी कही थी। भगवत मान ने पोस्ट किया संसद की सुरक्षा संबंधी वीडियो, बवाल मचा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान ने कई सुरक्षा पर्दों को पार कर संसद में प्रवेश का एक वीडियो फिल्माया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसको लेकर विभिन्न दलों के सांसदों ने उनकी आलोचना करते हुए उनके कृत्य को सुरक्षा का उल्लंघन बताया। वायरल हुए वीडियो में मान को प्रवेश द्वार दर्शाते दिखाया गया है जिसमें सांसद संसद भवन में प्रवेश करते हैं और वह कह रहे हैं कि कितनी मजबूत सुरक्षा है। कृत्य को उचित ठहराते हुए मान ने कहा कि उनकी मंशा यहां दिखाने की थी कि कैसे शून्यकाल के प्रश्न जमा किए जाते हैं और अपने मुद्दों को उठाने की इच्छा रखने वाले सांसद लकी ड्रॉ द्वारा चुने जाते हैं। संसद भवन में जहां मान स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे प्रक्रिया काम करती है, वहीं एक स्टाफ ने उनसे अनुरोध किया कि वह कुछ भी न फिल्माएं। सवालदाताओं के सवाल के जवाब में मान ने कहा कि क्या मेरे वीडियो ने संसद को खतरे में डाल दिया है? कैसे यह अवैध है? मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और इसे डालूंगा, नोटिस आने दीजिए। सांसदों ने मामले की जांच की मांग की है।